हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गर्मियों में हम लीवर की क्या डाइट रखेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। काफी खास वीडियो है। अगर आपको लीवर के अंदर समस्याएं चलती हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की। तो मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो आपको मॉर्निंग में क्या चीजें खानी चाहिए, यहाँ पे जस्ट मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपके हाथ में। जो भी मैं ओपिनियन दूंगा आपके लीवर के हिसाब से, आपकी लाइफ के हिसाब से, आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो बढ़िया रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठ के जूस यूज करना है, ठीक है? जूस, अब आप इसमें जूस चाहे गन्ने का ले सकते हैं अगर गन्ने का सीजन चला हुआ है, ऑरेंज जूस आप ले सकते हैं, या फिर विटामिन सी वाले जो जूसेस होते हैं, मौसमी का मिक्स जूस, ऑरेंज जूस, वो आप सब ले सकते हैं। अवॉइड करना है चुकंदर का जूस, ठीक है? क्योंकि चुकंदर का जूस बहुत हेल्पफुल रहता है लीवर को ठीक करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन उसका करने के लिए, बट वो सुबह सुबह खाली पेट नहीं लेना है। और जूसेस आप ले सकते हैं, तो उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप कुछ खाने के बाद या दोपहर के नंबर में आप उसको ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में मैं प्रेफर करता हूँ आप जूस इस्तेमाल कीजिए। जूस महंगा आता है, दूर मिलता है, गांव में रहते हैं यूज नहीं कर सकते, तो आप कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? गर्मी का मौसम है तो आप कॉफी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कम मात्रा में डालिए, क्योंकि आप चाय लेंगे वो भी आपको नुकसान देगी, और आप जो है दूध लेंगे तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। सेकेंड आता है, आप इसके 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद आप जो है कुछ फ्रूट्स जरूर खाइए। हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल है लीवर को ठीक करने के लिए। फ्रूट्स, जो भी सीजन फ्रूट्स वहां पे चलेंगे, जैसे कि आप सेब ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, या फिर आप आंवला चला हुआ है तो आप आंवले को भी इस्तेमाल कर लीजिए। क्वांटिटी आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से आप उसको निर्धारित कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको 2 सेब सुबह में खाने खाने हैं, या अंगूर आपको इतने सारे खाने खाने, या अमरूद खाने, नहीं। जितना आपका पेट मांगता है उतने हिसाब से आप ले लीजिए, 90% उस पेट को भर लीजिए, 100% आप मत भरिए। नेक्स्ट आता है दोपहर में, जो भी आपका खाने का समय है पहले तो आप उसको फिक्स कर लीजिए कि आपको 1 बजे खाना है, 12 बजे या 2 बजे खाना है, उसको आप फिक्स करके रख लीजिए। और फिक्स का मतलब ये नहीं कि पूरे 1 बजे घड़ी आप देख के खाएं, ऐसा नहीं। अगर आपको 5-10 मिनट इधर उधर हो जाती है वो सारा मैनेज हो जाता है। तो आप जो है इसमें खाइए मूंग की दाल और रोटी। मूंग की दाल सबसे बेस्ट है हर तरह की बीमारी। आप देखो डॉक्टर भी बोलते हैं भाई आपको मूंग की दाल इस्तेमाल करनी है जब आप बीमार पड़ते हैं, तो लीवर के मामले में भी ऐसा ही है। अगर आपको लीवर को जल्द से ठीक करना है तो मूंग की दाल इस्तेमाल कीजिए। अब मूंग की दाल आप कोशिश कीजिए वीकली लेने की, वीक में मतलब 2 बार आप ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। दाल तो आप कोई सी भी खा सकते हैं, कोई भी उसका ऐसा नुकसान नहीं है। ओवर लेंगे प्रोटीन की मात्रा है, उधर फैट जमी हुई लीवर पे, तो आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन मूंग की दाल ऐसी नहीं है, वो आपकी लीवर पे फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होने देगी, मतलब कि लीवर पे फैट वो जमने नहीं देगी। तो मूंग की दाल का आप इस्तेमाल कीजिए। फोर्थ आता है, इसके साथ आप जो सलाद जरूर खाइए। जो भी सीजन में सलाद चल रहा है आप उसको जरूर लीजिए, जैसे कि मूली। मूली बहुत बेस्ट है लीवर के लिए। कुछ पेशेंट्स जो है मेरे ठीक हो गए हैं मूली खा खा के, उन्होंने अपना लीवर ठीक कर लिया। कमेंट भी आपने पढ़े होंगे, मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट आता है शाम में, क्योंकि आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो भाई आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि चावल आपके बंद हुए हैं। चावल बंद इसलिए करने पड़ेगा, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो भाई वो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर, तो वो आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक है तो चावल आप वीकली आप खा सकते हैं, कोई भी उससे समस्या नहीं है। शाम में आप जो जूस पीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, शाम में आप चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं, और इवन विटामिन सी के जूस भी आप शाम के नंबर में पी सकते हैं। बात आती है दोस्तों अब रात की, तो रात में भी आपको दाल रोटी ही खानी है। अगर आप फिश वगैरह खाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओमेगा एसिड उसके अंदर आपको मिलेगा, ओमेगा 3 उसके अंदर आपको मिलेगा, तो फिश भी आप ले सकते हैं। बस ख्याल क्या रखना है, सबसे बेस्ट टिप मैं आपको अब डिलीवर करूंगा कि टहलना बहुत जरूरी है। जो भी आप खा लेते हैं ना उसको पचाना बहुत जरूरी है, उसका डाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप खा लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 3 रोटी खा ली है, 4 रोटी खा ली है, तो आपको कम से कम 10-15-20 मिनट जितना भी समय है आपके पास, थोड़ा आप टहल लीजिए, आपके पेट में हल्कापन हो जाएगा, खाना इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे कोई भी फैट इकट्ठी आपकी नहीं होगी और आपको आराम हो जाएगा। फलों में आप जो खा सकते हैं, संतरा, अंगूर, आम मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीने में और दिक्कत पड़ रही है भैया, हमें भूख ज्यादा लगती है, तो पीने में आप जो है कॉफी, मैंने आपको बताया ग्रीन टी आप ले लीजिए, फिश ले लीजिए। कॉफी से दिक्कत होती है तो कॉफी आप बंद कर दीजिए, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, उसकी जगह आप ग्रीन टी यूज कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। जो भी लीवर वाले पेशेंट्स हैं तो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इससे इश्यू नहीं है, तो आप उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।